जफर भाई, पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, आज का कर्तव्य थे जफर भाई, का आदेश आओ है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, हम बार बार जो एक बात कहते थे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गैर संवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश के नगर पालिका और पंचायत चुनाव को रोक कर रखी है। इसके पहले भी जब उसने पंचायत चुनाव के समय गैर संवैधानिक तरीके से ही रोटेशन के बिना चुनाव करने का जो काम किया था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की धारा 243E के तहत ये स्पष्ट निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं कि जो 3 सालों से आपने सरकार ने चुनाव पंचायत और नगर पालिका के रोक के रखे हैं वो असंवैधानिक है। इसलिए 15 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश के नगर पालिका और पंचायत चुनाव की अधिसूचना वो जारी करे। दूसरी ओर जो OBC आरक्षण पिछले 25 सालों से 27% मध्य प्रदेश में मिलता था, उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और खत्म करने की वजह यह बताई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 साल पहले प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि वो ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी की जो हमारी जनता है उसके आर्थिक और शैक्षणिक आकलन करके रिपोर्ट पेश करे, और हम बार बार कह रहे थे कि रिपोर्ट अधूरी है। आज प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक और एक षड्यंत्र ने मध्य प्रदेश के 50% ओबीसी संख्या को पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव से वंचित कर दिया जी। तो जो नगर पालिका और नगरीय निकाय के चुनाव के लाने भी यही आदेश माने? नगर पालिका और नगरी निकाय के चुनाव के लाने भी वही आदेश माने जो पंचायत चुनाव के लाने हैं? बिल्कुल, दोनों चुनाव को लेकर हमारी पिटीशन लगी थी और दोनों चुनाव को लेकर यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मैं एक बार फिर पुनः प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि आपकी जो प्रशासनिक चूक और आपका षड्यंत्र की वजह से जो ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है, अभी भी वक्त है सरकार कोई ऐसा पुनर्वचन याचिका वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखे, क्योंकि आज आप पूरी तरीके से फेल हुए हो। आपने अपनी रिपोर्ट अधूरी होने की वजह से जो जनता ओबीसी की है वो वंचित हुई। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जी तरीके से आप जी मुद्दे को लेके आप जब कोर्ट गए थे, आप गए थे पंचायत चुनाव में रोटेशन वाले मामले को लेके, उसको लेके कोई गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, वो तो पहले ही दे चुकी है कि देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, हमने हमेशा संविधान की धाराओं अनुच्छेद के हिसाब से ही बात किया है। पिछले बार भी जो हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला लगाया था वो भारतीय संविधान की 243D में लगाया था जिसपे रोटेशन कंपलसरी था, तो वो मामला तो पहले ही खत्म हो चुका है जी। तो अब जब भी चुनाव होंगे वो रोटेशन के आधार पे ही होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के चुनाव ना कराने के निर्णय को असंवैधानिक माना है। बहुत बहुत धन्यवाद जफर भाई।